फैसला आया अयोध्या वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का, तो भाईजान जो थे शेरा साथ बैठ के टीवी देख रहे थे, मजे ले लेके हंस हंस के पॉपकॉर्न खाते हुए। पता था यार फैसला तो आना नहीं है, वो यही मान के चल रहे थे फैसला नहीं आएगा, सो इन्जॉय कर रहे थे। दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे, कई लोगों ने पूछा भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने कहा यार आवाज़ ही नहीं निकल रही, आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, कोल्डन कफ का सीजन चल रहा है। तो मैं कौन क्या इसमें क्या बड़ा इशू है, कौन सा लोग तो आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, ऐसी कौन सी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ यार ये भी सारी सही बात है, तो आवाज़ जैसी भी हो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं भाईजान के बारे में, भाईजान ये सलमान खान दबंग हुड़ दबंग। उनके बारे में बता दूँ आपको, आज फैसला आया अयोध्या वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का, तो भाईजान जो थे शेरा साथ बैठ के टीवी देख रहे थे, मजे ले लेके हंस हंस के पॉपकॉर्न खाते हुए। पता था यार फैसला तो आना नहीं है, वो यही मान के चल रहे थे फैसला नहीं आएगा, सो इन्जॉय कर रहे थे। अचानक से फैसला आ गया, भाईजान घबरा गया, तो यार ये कैसे आ गया, मतलब ये कैसे हो सकता है। फिर सारे चैनल बदल डाले, NDTV तक लगा लिया, लेकिन हर जगह यही आ रहा क्या फैसला आ गया। वो परेशान एकदम पहले खड़े हुए शॉक्ड टहले, फिर आए एकदम आंखें खुली की खुली रह गई थी इनकी। आते हैं फिर अपने बार बार सिरा की गोद में सर रखते हैं और खूब रोना शुरू करते हैं। सिरा पूछता भाई जान हुआ क्या है, कहते हैं यार फैसला आ गया कोर्ट का, ऐसे किसी मेरे मामले में भी केस का फैसला आ जाएगा। सिरा सुनता भाई जान ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। कहते हैं टेंशन क्यों ना लूँ, ये 100 साल पुराना केस था, 100 साल से ऊपर, इसका फैसला आ गया, हमारा तो सिर्फ 20 साल पुराना है, हमारा क्या होगा। तो पसंद आया हो तो बस फन था, कुछ है नहीं। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट चाहे तो आप कर सकते हैं, गेट वेल सून करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाऊंगा, रिकवर कर रहा हूँ। सो गुड नाइट।